ये देखिए दोस्तों, अभी हम लोग पंचरत्ना मंदिर पहुंच गए, पंचगंगा मंदिर। और ये व्यू देखिए, अभी जो आपको दिखाया वो स्कूल का। ये देखिए दोस्तों, आपको इसका इन्फॉर्मेशन मैं दिखा दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए अच्छे से। हर हर महादेव। दोस्तों ये जो मंदिर है ये 800 साल पुराना मंदिर है। 800 साल पुराना मंदिर मतलब आप इसका जो ये जो बांधकाम है वो कितना मजबूत है आप देखते रहोगे। और इसकी इसमें जो शिवलिंग है, जो महादेव की मूर्ति है, वो लगभग हज़ारों साल पुरानी है। ये देखिए, मतलब ये मंदिर बनने से पहले ही शिवलिंग यहाँ पे था। और ये मंदिर की स्थापना 800 साल पहले हुई है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे अपने माँ की सुवर्णा तुला करते, मतलब जो माँ के वजन का जो सोना होता है वो दान करते, वो यहाँ पे किया था। ये देखिए, और लिटरली अंदर इतनी शांति है, अंदर जाके मन को एक अलग ही सुकून मिला है। ये देखिए कसं वाटलं भाऊ आत्मा एकदम? खूप छान वाटलं, शांत एकदम एकदम। मतलब ये जो फीलिंग्स है हम लोग बयां नहीं कर सकते, उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो अब ये दोस्तों महाबलेश्वर का स्पेशल मालबेरी फ्रूट लिया, अभी यहाँ पे हम लोग ने मालबेरी से ये, और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी वगैरह बहुत कुछ है। ये 50 रुपये का मिला, बट टेस्टी है बहुत, थोड़ा महंगा है पर टेस्टी है। दोस्तों आपको एक बात बोल दूं, अभी ये पंचगंगा में हम लोग दर्शन करके आए। वहाँ पे दोस्तों एक मतलब आपको वहाँ का एक रहस्य बता दूं कि जो कृष्णा, कोयना, वेना, सावित्री, गायत्री, ये जो नदियाँ है ना, वह उनका उगम यहाँ से हुआ है। और जन्म, उगम मतलब जन्म यहाँ से हुआ है। और मतलब बोलते ना, यहाँ पे भागीरथी और सरस्वती, ये जो नदियाँ है भागीरथी और सरस्वती, ये नदियाँ है बट गुपित है, उनको बोलते हैं गुपित है, मतलब यहाँ पे है बट दिखती नहीं है। और भागीरथी नदी है ना दोस्तों, वो हर 12 साल में, और सरस्वती नदी हर 60 साल में कृष्णा नदी को मिलने आते हैं। तो ये ऐसा इसका हिस्ट्री है। और बोलते हैं ना, ये जो मंदिर है ये 4,500 साल पुराना मंदिर, मतलब सोच सकते हो। बट अंदर बोलते हैं ना कि वीडियो निकालना मना है, इसलिए निकाल नहीं सकते भाई। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए कृष्णाई मंदिर। और ये देखिए इसका एक व्यू बहुत ही अच्छा है यार, मैं तो बहुत मतलब यार, सब पुरातन मंदिर है और क्या बड़ा मंदिर है। और ये व्यू देखिए यहाँ का, ऑसम यार। ये देखिए, अभी इसके अंदर अगर मोबाइल अलाउड रहेगा तो ठीक है। दोस्तों देखिए, अंदर तो एंट्री नहीं है बट ये मंदिर है। ये भी आपको बता दूं, देखो ये मंदिर, ये कृष्णाई मंदिर है। कृष्णाई मंदिर जो आपने नदी का नाम में आपको बोला, कृष्णाई उसका उनका मंदिर है। और अंदर शिवलिंग है, अंदर भी शिवलिंग है। और बाहर जैसे कृष्णाई टेम्पल्स, कृष्ण जैसे अपन अभी गए, ये देखिए अंदर हम लोग अभी पंचगंगा गए थे, उधर ऐसी गोमुख से पानी आ रहा था, यहाँ पे भी ऐसे आ रहा है। और ये व्यू देखिए आप यहाँ का, ये देखिए व्यू। तो अभी यहाँ से अपन डायरेक्ट जाएंगे एको पॉइंट। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ज़रूर बताना कमेंट में। ये देख सकते पूरा कोहरा है इधर। और अगर अगर हम लोग सुबह आते ना, अगर सुबह 5-6 बजे निकलते राइड के लिए, तो ज़्यादा ही कोहरा मिलता। और बोलते ना दिखता भी नहीं कुछ बाइक चलाते वक्त। हाँ, नीचे आते हैं। और यहाँ पे आते वक्त मस्त गर्मा गर्म कौन खाएंगे। तो ये देखिए, ये है एलिफेंट पॉइंट। इधर का व्यू देखिए यार, ऑसम व्यू। और इतना कोहरा है अभी के टाइम पे, बज रहे 12:30, ये देख सकते हो 12:30 बज रहे। और ये देखिए
वन साइड देखिए भाई, वाइब है यार फुल अलग लेवल से वाइब है। देखिए दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे कौन खड़े हैं, यहाँ पे मस्त बारिश गिर रहा है और हम लोग यहाँ पे भीग चुके हैं और यहाँ पे अभी गर्मा गर्म कौन खाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। ये देखिए बारिश एकदम जोरदार हो रहा है भाई। जय श्री राम। फाइनली गाइस हम लोग का जितना भी पॉइंट था यहाँ पे, जो मेन पॉइंट है वो सब देख के खत्म हो चुके हैं और अभी हम लोग आए यहाँ पे। भाई ने एक इंस्टाग्राम से एक रील ढूंढ के निकाला था जिसमें विंटेज बाइक कलेक्शन था और यार अपन बाइकर से तो विंटेज बाइक कलेक्शन जब सुनाई देता है तो भाई भाई उतावले होते हैं भाई, किधर भी चले जाएंगे हम लोग देखने के लिए। तो हम लोग अभी जा रहे थे, हम लोग के दिमाग से निकल गया था बट सामने बोर्ड दिखा, हम लोग इधर घुस गए। ये देखिए ये स्टार्टिंग है इसका, 100 रुपीज टिकट है इसका, तो अगर यहाँ पे आना चाहो पर पर्सन फटाफट, अंदर 200+ बाइक है। तो यार जाते और आपको अच्छे से एक व्यू दिखाता अंदर का। ये देखिए ये इसमें सब बाइक का डिटेल्स है दोस्तों, आप एक बार पॉज करके देख लो क्योंकि बड़ा वीडियो नहीं बनाने का। पहला बाइक कब बना था वो भी दोस्तों ये देखिए, ये है कलेक्शन सबसे ओल्ड। यहाँ पे जितने भी विंटेज बाइक है, जितने भी विंटेज बाइक है उतने सबके मॉडल रखे। अभी देखो आपको एक एक का मैं पूरा बताने जाऊँ तो बहुत टाइम हो जाएगा। हम लोग को तो इसकी इन्फॉर्मेशन पता चल गई है, इन्होंने हम लोग को प्रॉपर डिटेल बताया, बट आपको अगर जाननी है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। मैं वीडियो फटाफट निकालता हूँ थोड़ा क्योंकि एक मिनट के अंदर ही मुझे वीडियो ख़त्म करना है क्योंकि बहुत सारी बाइक है यार। जो भी बाइक लवर है यार एक बार विजिट यहाँ पे मारो, बुलेट से लेके हर एक चीज़ यहाँ पे है। और इनका फ्यूचर में प्लान ऐसा है कि इन लोग मतलब कुछ आने वाले सालों में ये जो विंटेज बाइक है उसको मतलब बोलते हैं ना मतलब टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ इन लोग करने वाले। इसमें से 80% बाइक वर्किंग कंडीशन में है दोस्तों। ये देखिए चुटकू वर्किंग कंडीशन में है दोस्तों, यहाँ पे भी है। ये देखिए यहाँ पे सब ओल्ड कलेक्शन है पूरा, तो एक बार यहाँ पे विजिट जरूर दो। आप महाबलेश्वर आ रहे हो तो यार विंटेज बाइक कलेक्शन देखना भूलिए मत। ये देखिए पिंकी पोंकी बाइक, यहाँ पे कोई कोई रिपेंट भी किया गया क्योंकि एकदम बंगार था। एक मेन बाइक आपको बताता हूँ जो यहाँ पे मुझे अच्छी लगी, यह है दोस्तों बुलेट 350cc की, जो 100 साल पुरानी है। मतलब बोलते ना इसका मतलब उनके पास मतलब टाइम पता ही नहीं है कि कितने टाइम पुरानी है, तो वो मतलब बोलते ना कि इसका भी इंजन वगैरह कुछ नहीं है, ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है दोस्तों, बट ये बहुत जूनी है और इतनी वजनदार है दोस्तों कि इसको 2 स्टैंड है। ये दुनिया की पहली बाइक थी जो मतलब बोलते हैं ना कि इसको स्टैंड से हटाने के लिए 2 लग लगते थे, एक आगे से पकड़ने के लिए एक पीछे से पकड़ने के लिए। ये इसकी खासियत थी, इतनी वजनदार है 350cc में तभी के टाइम पे सबसे वजनदार बाइक थी ये। ये देखिए यहाँ पे भी पूरा सब ये बाइक है। ये देखिए याद आ रहा है कुछ, मेन जो मुझे अच्छी लगी है बाइक वो आपको मैं बताता हूँ। वाह 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 भाई साहब, इतने अलग अलग हम लोग को सबकी डिटेल उन्होंने बताई। मतलब सबकी मतलब जो जो मेन चीज़ मतलब जो पॉपुलर बाइक थी वो सब चीज़ें बताई हम लोग को। आपको एक बात बताओ, देखो बजाज और कावासाकी ने कोलैबोरेशन किया था एवेंजर जूनी वाली, और ये अभी जो आती है उसी बजाज की आती है, पहले कावासाकी के साथ कोलैब थी एवेंजर। तो एवेंजर लवर्स और मेन सबकी पसंदीदा बाइक आपको बताता हूँ मैं। ओ भाई बाइक देखिए आप स्टॉप करके ना तो वीडियो स्लो कर सकते हो। ओ भाई थक गया मैं तो, RX 100 तो पीछे चली गई। RX 100 थी दोस्तों वो, एक्चुअली वो साइड में थी, मुझे आ ये साइड में ठीक है। ये देखो ये वो टाइम पे 50cc वाली ना, यही ना 50cc वाली बाइक, ये 50cc वाली 49cc। ये देखिए भाई साहब यहाँ पे आइए एक बार, आपको सब पता चलेगा। आपको वो RX 100 फटाफट बता देता हूँ मैं। भागो 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 भागो। ये देखिए RX 100 इंडियन मॉडल और जापान मॉडल दोनों है यहाँ पे। अभी इसमें से इंडिया और जापान मुझे भी पता नहीं है बट मुझे लग रहा है ये जापान है, ये इंडियन रहेगा। हाँ ये देखिए ये बॉबी, इसका नाम बॉबी है। ये देखिए दोस्तों
इनकी बदौलत हमें आज विंटेज बाइक का कलेक्शन देखने मिल रहा है। विनीत प्रभाकर केंद्रले ये पुणे के रहवासी है और इनके पास अगर कभी वीडियो पहुंची तो यार दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि यार विंटेज बाइक कलेक्शन इन्होंने रखा है और ये सब बाइक इनकी पर्सनल बाइक है, इनका कलेक्शन है और बहुत गिनी चुनी बाइक है जो डोनेट वगैरह की है उनके ओनर्स ने, जो नंबर प्लेट वाली बाइक थी। तो दिल से शुक्रिया किंजले सर को। और आपको इसका पहला बाइक जो है वो दिखाना है मुझे अभी। दोस्तों ये देखिए, ये सबसे पहली बाइक, दुनिया की सबसे पहली बाइक ऐसी बनी थी। ये है दुनिया की सबसे पहली बाइक, ये देखिए इसका, इसको अच्छे से देख लीजिए आप कैसा इसका इंजन क्या। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे मस्त मैप्रो में खा के अभी यहाँ पे भी खाने आए और यहाँ पे भी हम लोग ने लिया है स्ट्रॉबेरी क्रीम क्योंकि मैप्रो में ख़त्म हो गया था तो हम लोग ने सिर्फ आइसक्रीम टेस्ट किया वहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे ये कुछ इसका तो है स्वाद ही अलग है। अभी स्ट्रीट लेवल पे आए थे हम लोग तो स्ट्रीट पे ये टेस्ट किया, एक नंबर था यार, मज़ा आ गया खा के। फाइनली दोस्तों हम लोग का पूरा महाबलेश्वर घूम के हो चुका है, पूरा मतलब जितना हम लोग ने सोचा था उतना तो हम लोग घूम लिए और अभी निकले हैं फिर से हमारे होटल के पास जो विला में हम लोग रुके उधर जा रहे हैं। और ये देख सकते हो यार इतना कोहरा पड़ गया ना अभी कि, और ये कीचड़ देखिए यार, ये कीचड़ के ऊपर से नॉर्मल बाइक इतनी स्केट हो रही है ना दोस्तों लिटरली कि। फाइनली दोस्तों हम लोग महाबलेश्वर घूम फिर के मस्त आ चुके और अभी रात के बज रहे 9, हम लोग मस्त अभी दबा के चिकन और सब जो भी यहाँ पे स्पेशल बना है, क्या स्पेशल बना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे है राइस एकदम घर के बराबर, यहाँ पे है क्या है इसका नाम, खीर बोलते हैं इसको, मैं भूल गया नाम, खीर। और ये है चिकन रस्सा और ये है चिकन जो अभी ख़त्म हो गया, मतलब हम लोगों ने मस्त भर भर के ले लिया है। देखो भाई क्वांटिटी देख रहे हो, हाथ निकलो जरा छुपा रहे क्यों भाई, देखो। तो कैसा है भाई खाना पीना, कैसा है एकदम? बहुत अच्छा भाई, खाना पीना तो अच्छा ही है बट यहाँ के जो मतलब बंदे लोग हैं ना यार, जो हेल्पर्स है वो बहुत सही है, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं भाई। तो मस्त अभी खाएंगे और कल आपको सुबह मिलूंगा, कल आपको डिटेल रिव्यू दूंगा होटल का। तो जो भी लोग नए यार प्लीज़ चैनल में ऐड होना भूलना मत और कल का वीडियो पूरा आखिर तक देखना, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आप भी अगर प्लान कर रहे हो तो आपको ये रिसोर्ट में कैसे आना है, क्या प्राइस मिलेगा साहब, आपको मैं डिटेल में पूरा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक।